नमस्कार साथियों, अभिज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज का हमारा टॉपिक तोकते के बाद अब 26 मई को आया एक और चक्रवाती तूफान, इन राज्यों पर बड़ा खतरा। साइक्लोन यास अब नए चक्रवात को लेकर IMD का अलर्ट जारी, जाने कब और कहां देगा दस्तक। नई आफत, बंगाल की खाड़ी से हटाए जा रहे मछुआरे वे नाविक, तूफान यास का मंडरा रहा खतरा, सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय। यास तूफान, तटरक्षक बल ने बंगाल की खाड़ी में गए मछुआरे और नाविकों को लौटने की दी चेतावनी। इन राज्यों को हो सकता है सबसे ज्यादा खतरा। जैसा कि आपने मैप में देख रखा है, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, छत्तीसगढ़, जो इनके तटवर्ती राज्य हैं, यहाँ पर इस तूफान से सबसे ज़्यादा खतरा होने की संभावना है। इसके साथ साथ यहाँ पर जान माल की हो सकती है सबसे अधिक हानि। जाने क्यों आ रहे हैं साइक्लोन। बंगाल की खाड़ी के ऊपर समुद्र की सतह का तापमान लगभग 31 डिग्री सेल्सियस है और लगातार जलवायु परिवर्तन और समुद्र के बढ़ते ताप के कारण इस तरह के साइक्लोन आ रहे हैं। हालांकि IMD ने ओडिशा व बंगाल को अभी से ही अलर्ट पर रहने को कहा है। इससे पहले IMD ने कहा था कि इस वक्त सारी परिस्थितियां बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चक्रवात के अनुकूल हैं, इसी वजह से तूफान आ रहे हैं। दोस्तों, आज हमने जाना यास तूफान के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।